घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं। सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे, ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें, ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण के नारे की धज्जियां उड़ाते हुए आज महिला आयोग की एक सदस्य कहती हैं कि बेटियां मोबाइल फोन पर बात करती हैं, इसलिए वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उन पर नजर रखना जरूरी है। ये उस आयोग की सदस्य हैं जिसका अधिकार, जिसका मैंडेट है कि महिला अधिकारों को सुनिश्चित करें, बेटियों को सुरक्षित रखें। किस तरह के लोगों की इन आयोगों में नियुक्ति होती है ये स्पष्ट है, और इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं इनके पद की गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं इनको तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे और महिला आयोग की अध्यक्ष इनका एक्सप्लेनेशन मांगे और जनता को जवाब दे कि क्या वो केवल वहां बैठकर विभिन्न प्रचार प्रसार के लिए बैठी है या महिलाओं के लिए बैठी है।